दिनों से खामोश केजरीवाल की पार्टी ने आज मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है। ये उसी प्रदर्शन की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। सरकार ने अब ये तय किया है कि पेट्रोल के दाम रोज तय होंगे, रोज रात को जो है पेट्रोल के दाम वो तय होते हैं। इसमें पिछले कुछ दिनों में उछाल देखा गया पेट्रोल की कीमतों में। इस बात को लेकर अब केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक मीटिंग के बाद से बाहर निकले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत हुई महंगाई की मार, निगमी है मोदी सरकार, निकम्मी मोदी सरकार कह रहे हैं, और 80 रुपए हो गए तेल। तो ये तमाम जो है बैनर लेकर अब ये शासी भवन की तरफ रुक कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ वजह हैं, हम गोपाल दास जी से बात करते हैं। गोपाल जी, चूंकि आप भी है कि अध्यक्षता मीटिंग हुई, अब आप जा रहे हैं, क्या कुछ मांग रहेगी आपकी? नहीं, हम लोगों की एक ही मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम 2014 में $105 प्रति बैरल था। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल का दाम $47 प्रति बैरल हो चुका है। आधे से ज्यादा दाम जब दुनिया में कम हो चुका है तो दिल्ली के अंदर, देश के अंदर पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? लेकिन वही विपक्ष का जो है आपके यानी बीजेपी का कहना है कि सरकार आपकी है, अगर चाहते तो वैट कम कर सकते हैं, रेट कम हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का ये खेल है कोई सरकार के हाथ में नहीं है। क्यों नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का खेल यही तो कह रहा है कि 105 से 47 रुपए में मिल रहा है। तो प्रदर्शन किया जा रहा है मोदी सरकार के खिलाफ और कहा जा रहा है कि पेट्रोल के दामों को कम किया जाए।